आप सभी का स्वागत है हमारे ए स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम कल मैथ्स की इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे, उसका पार्ट वन डला है हमारे प्लेलिस्ट में। आप बेसिक से देखना चाहते हैं तो पूरा पार्ट वन देखिए, फिर पार्ट टू में मैंने हार्ड वाले क्वेश्चन कराए हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, जो एसएससी के एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं। मैंने बस वही क्वेश्चन लिए हैं जो एसएससी एग्जामों में ट्रेंड में चल रहे हैं। पूरे जितने परसेंटेज के इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हैं पार्ट वन में मैंने बेसिक समझाया है। अब पार्ट टू में आपको मैं थोड़े से अच्छे लेवल क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो एसएससी के मेंस तक एग्जाम में आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को, देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले और 10% वोट जो हैं अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मिला और उसने 3900 मतों से चुनाव जीता। मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें क्या निकालना है कि मतदाता सूची में जो मतदाताओं की है कुल संख्या कितनी है। तो ये देखते हैं हम, उसी तरह से देखते हैं हम कितने लोगों, मान लीजिए कि 100x हैं, क्या टोटल मतदाता जो हैं, टोटल वोटर्स जो हैं, टीवी मतलब टोटल वोटर्स जो हैं, उसमें से देखिए आप 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए और 10% मतदाताओं ने अपने वोट डाले नहीं। 10% डाले नहीं यानी कितने डाले हैं, 10% हटा दीजिए इसका, कितने बचे 90x। 100x का देखिए आप 10% ऐसे निकालेंगे, ये 10 मतलब 10 वोट जो हैं अवैध कर दिए गए 100x में, तो कितने बचे वोट, 90x बचे। क्या बची ये बचे मतदाताओं ने जो वोट डाले ना वो 90x हैं। टोटल वोट कितने थे, 100x थे। जो मतदाताओं ने डाले वो कितने थे, 90x डाले। ठीक है, इसमें देखिए आगे क्या बोला है, 10% वोट जो है अवैध घोषित कर दिए गए, इसका 10% कितना होगा, इनवैलिड वोट है ये 10%, तो कितने बचे वैलिड वोट, इसका 10% निकाल दीजिए आप, 90x का 10% निकालिए। ये आपको आना चाहिए, तो मैं समझा रहा हूं आपके लिए, कितने हो गए 9, 90 में 9 गए कितने बचे 81x, 90 में 9 हटा दिया कितने बचे 81x। अब देखिए क्या बोला गया है कि एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मिला, कुल मतों का टोटल वोट कितने थे 100x। ये क्या है, ये वैलिड वोट है, वी फॉर वैलिड, वी फॉर वोट। तो इसमें क्या बोला गया है कि टोटल मतों का 60% मिला, तो 100 को 60% कितना हो जाएगा, 100 को 60% 100x का 60% निकालिए आप, कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 यानी कि 60x। तो जो ये बचा जो हारा है, ये तो जीता हुआ व्यक्ति है, इसको कितने वोट मिले हैं टोटल मतों के, तो 60 में अब कितने वोट हैं, तो वैलिड कितने हैं 81, तो इसको कितने मिलेंगे 21। ये आप ध्यान रखिएगा, इसको टोटल मतों के 60 मिला है और ये कितने बचे हैं 21x। अब आप देखिए उसे कितने वोट जीते, चुनाव जीता वो 3900 मतों से चुनाव जीत गया है। डिफरेंस देखेंगे कितना इनका, 10 में 1 गए 9, 5 में 2 गए 3, 39x जो है इसको एक्स्ट्रा वोट मिले हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3900 मत इसको एक्स्ट्रा मिले हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दी गई है 3900, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई, काट दीजिए इसको 3900 से 39 गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। तो क्या बोला गया है, मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, टोटल वोटर कितने थे अपने 100x थे, तो 100 में 2 कर दीजिए एक्स का, एक्स कितना है 100, कितना आ गई ये 10,000। ये अपना क्या है आंसर, ऑप्शन बी अपना सही आंसर है। देखा आपने कैसे किया, हमने 100x था, 10% लोगों ने वोट डाला नहीं, 10% लोग जो वोट डाला उसमें से अवैध कर दिए गए, तो कितने बैलेट वोट कितने बचे 81x। क्या बोला गया क्वेश्चन में कि टोटल वोटों का 60% इसको मिला, तो उसे कितना मिला होगा टोटल वोटों का, वैलिड वोटों का 21 इसको मिला, कितना डिफरेंस आया इनका 39। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नहीं 3900 आया डिफरेंस आया, अपना कितना आया 39x आया, एक्स के वैल्यू यहां से निकाल देंगे और एक्स के वैल्यू कहां पुट कर देंगे टोटल वोटों में, कितना अपना आंसर आएगा 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना हम, एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों का 70% मिला, उसको वैध मतों का कितना मिला है 70%, इसमें ये नहीं बोला टोटल वोट का मिला है, उसको टोटल वैलिड वोट का 70% मिला है। यदि कुल मतों में से 20% को अवैध घोषित कर दिया गया, यानी कि जितने वैध वोट थे उसका 20% जो था टोटल वोटों का अवैध घोषित कर दिया गया और कुल मतों की संख्या इसमें पहले से दी हुई है, तो उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो उम्मीदवार था जिसको 70% वोट मिले हैं,
तो उसके जो वैलिड वोट हैं वो कितने हैं। तो अपन देखते हैं पहले इसमें कि वोट कितने हैं अपने पास, 100x वोट है अपने पास। उसमें से क्या कर दिया गया, 20 को अवैध घोषित कर दिया गया, 20% को। 100 का 20 कितना होगा, 80x हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था निकालना, या आपको बार बार नहीं बताऊंगा, आपको तब करना पड़ेगा, परसेंटेज निकालना आना चाहिए। 100 100 कट गया, बचा 20। 20 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 20x माइनस कर देंगे तो 80x आ जाएगा। 80 क्या है, ये वैलिड वोट हैं, ये टोटल वोट थे, ये थे इनवैलिड वोट जिसको अपने माइनस कर दिया गया। अब क्या बचा अपने पास, वैलिड वोट। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि उसको वैलिड वोट का, जो उम्मीदवार एक्स है उसको वैलिड वोट का 70% मिला है। अभी तक क्या बोलता था कि टोटल वोटों को मिला है, लेकिन अब क्या बोल रहा है, वैलिड वोटों का 70 का 80 का अपन को क्या निकालना है, 70%। कितना रहेगा, ये 56x आ रहेगा। तो ये आप देखिए 56x आ गया ये। तो जब इसको वैलिड वोट का 56 मिला है, तो जो हारा होगा उसे कितना मिला होगा, ये काम नहीं अपना, लेकिन देख लीजिए 24x मिला जो हारा हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कुल मतों की संख्या 64,000 है, यानी 100x की जो वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 64,000 दी गई है। तो एक्स की वैल्यू देखिए आप कितनी आएगी, डिवाइड कर दीजिए 100 से, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 640 आ गई। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या बोला है क्वेश्चन में, कि उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के वैध मतों की संख्या कितनी है, जो जिसको 70% वोट मिले हैं वैलिड वोटों का, उसकी संख्या ज्ञात करनी है अपने को। तो किसको वोट मिले, इसको मिले थे कितने, 70% मिले थे जो जीता हुआ है। तो आप एक्स एक्स की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, 56 × 640 कर दीजिए, तो अपना आंसर आएगा, इसको इंटू करते हैं, 640 × 56, 6 का 0, 6 को 24 का 4 हासिल, 2 6 से 36, 2 38, 5 0, 5 को 20 0, 2 हासिल, 5 का 30, 2 32। तो आप देखिए कितना आया, 0 4 8, 3 2 5, 35,840। ये क्या है, उम्मीदवार एक्स जो है उसके पक्ष में कितने वैलिड वोट पड़े हैं, तो ये वैलिड वोटों की संख्या आ गई किसकी, उम्मीदवार एक्स की। तो अपना आंसर क्या आएगा, 35,840, जो कि ऑप्शन ए है। तो आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में अमन और सुमन दो उम्मीदवार होते हैं, दो व्यक्ति होते हैं चुनाव में, हारता एक जीतता है, उसमें से 20% वोट जो है इनवैलिड घोषित कर दिए गए, यानी कि अवैध घोषित कर दिए गए। सुमन ने 40% वैध वोट हासिल किया, यानी कि सुमन ने 40% वैलिड वोट जो थे उसने हासिल किए, और हासिल करने के बाद वो 1,600 वोटों से हार गया। तो कितने मतदाताओं ने अपने वोट डाले, ये अपने को देखना है। तो इसके दो मेथड है, मैं आपको दोनों बताऊंगा। पहले देखिए आप मेथड वन, दो उम्मीदवार थे, वोट कितने थे, 100x मान लीजिए। इसमें से क्या बोला, ये टोटल वोट है, ये मैं आपको लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म टीवी, टोटल वोट है ये। इसमें से कितने घोषित कर दिए गए अवैध, इनवैलिड कितने निकल गए, 20% इनवैलिड, आई से इनवैलिड, वी से वोट। 100 का 20% कितना होगा, 80x बचा अपने पास। ये क्या है, ये अपने पास वैलिड वोट है, ध्यान रखिएगा ये वैलिड वोट है, जो वैध वोट होते हैं। उसमें से क्या बोला गया है कि सुमन ने 40% वैध वोट हासिल किया, सुमन ने इसका 40% वैध वोट हासिल किया, सुमन ने इसका 40%। तो सुमन ने कितने हासिल किए, 40% हासिल किए सुमन ने वैध वोटों का। तो 80 का 40 देखिए कितना होगा, 32। 32x जो होगा, 80x मान लीजिए आप, एक्स बार बार नहीं लिख रहा हूं मैं आपके लिए, आपको इतना समझ में आ रहा होगा, 80 का 32 इसने पाया, किसने, अमन ने। तो 80 32 घटा दिया, कितना बचेगा, 10 में 2 8, 7 में 3 4, यानी जो दूसरा व्यक्ति है कौन, अमन, उसने कितने हासिल करे, 48x हासिल किए। तो इसमें क्या बोला गया कि इसने 1,600 वोटों से हार गया। तो आप डिफरेंस देखिए, उसको 48 वोट मिले, इसको 32x वोट मिले, कितना डिफरेंस आएगा दोनों का, 8 में 2 6, 4 में 3 1, 16x आ रहेगा। इसको कम वोट मिले तो कितने वोटों से हारा है, 1,600 वोटों से हारा है। इसको कितने वोट मिले, 48 वोट मिले, यानी जिसको ज्यादा मिले हैं तो इसलिए जीत गई है। जिसे कितने कम मिले हैं, 16x वोट कम मिले, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 1,600 वोटों से हार गया है। तो 16x की जो वैल्यू दी गई कितनी दी गई है, 1,600 दी गई है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, काटेंगे तो 100 आ जाएगी। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि कितने मतदाताओं ने अपने वोट डाले, यानी टोटल वोटर कितने थे चुनाव में, इनवैलिड हो चाहे वैलिड हो, लेकिन ये सब पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है ये। तो एक्स की वैल्यू अपन यहां रख देंगे टोटल वोटों में,
कितना रहेगा ये? 10,000 आंसर आ गया अपना, ये ऑप्शन ए अपना सही आंसर है। तो ये देखिए अपना मेथड वन था ये, अब मेथड टू देखते हैं अपन। जो आपको सुटेबल लगे हम आपके लिए हर एक मेथड लाएंगे जो आपको इजी मेथड में लगे आपको क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में देखिए कि कितने मतदाताओं ने अपने वोट डाले, तो अपन मान लेंगे मतदाता कितने थे, टोटल वोट कितने थे, टोटल जो वोटर थे वो एक्स थे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 20% वोट जो इनवैलिड घोषित कर दिए गए, तो टोटल वोटों का 20% कितना हो गया, 20, यानी कि कितने वैलिड वोट बचे, 80, 80% वोट क्या बचे, वैलिड बचे। अब देखिए आगे अपन, आगे क्या बोला गया, सुमन ने 40% वैध वोट हासिल किए, तो ये मान लीजिए आप 100 मान लीजिए इसको, अभी आप भूल जाइए कि 80 लिखा है, ये मान लीजिए टोटल वोट है, ये एक्स और इंटू 100, 80/100 जो लिखा है ना, ये टोटल वोट है, टोटल वोटों का 40% उसने वैध वोट हासिल किए, 40% वैध वोट हासिल किए, तो 80 का 40 कितना हो जाएगा, 80 का 40 कितना होगा, 32। 60 किसने पाए होंगे सीरीज में, सबको बस ये ध्यान रखना है, 40% सुमन ने पाए तो अमन ने कितने पाए होंगे, 60, और 60 और 40 डिफरेंस कितना हो गया, ये डिफरेंस इनका 20 आ गया, तो यहाँ अपन क्या रखेंगे, 20% रखेंगे। वैलिड वोट मान लीजिए कि ये पूरे हैं, इसको मान लीजिए 80 भूल के आप मान लीजिए कि पूरे 100% वैलिड वोट हैं, तो 100 का 40 किसने पाया, सुमन ने, 60 किसने पाया, अमन ने, 60 40 डिफरेंस कितना आया, 20%, 20% वोट उसको कम मिले, जिससे वो कितने वोटों से हार गया, 1600 वोट से, क्योंकि सुमन को 20% सुमन को वोट ज्यादा मिल गए, तो 20% की वैल्यू कितनी दी गई अपने क्वेश्चन में, 1600। अब इसको आप काट दीजिए, 0 से 1 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, 8 दूनी 16, 16 से 16 उड़ा दीजिए, कितना बचा, यहाँ 100 बचा, और यहाँ नीचे बचा है 100, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10,000। आप देखिए एक लाइन में क्वेश्चन हो गया, बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसको कितने वोट मिले, दूसरे पर्सन को कितने वोट मिले, और उसका डिफरेंस कितना आया है, और क्वेश्चन में उसका डिफरेंस कितना दिया है, उसको इक्वालिटी में रख के अपने एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये सीजल के प्री में क्वेश्चन आया था 2022 में, यानी लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, घबराना नहीं आपको, मैं इतने प्यार से बताऊंगा आपको कि एक बार आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, और एक लाइन में क्वेश्चन कर देंगे इसको, भले सीजीएल में आया हो चाहे कहीं भी तुर्रम खान एग्जाम में आया हो, लेकिन आपके लिए चुटकी भर सवाल रहेगा। ये क्वेश्चन पढ़िए आप, पहले क्या लिखा है, दो उम्मीदवार थे चुनाव में, सब जानते हैं दो उम्मीदवार होते, हारता एक जीतता है, उसमें क्या बोला गया कि जब पंजीकृत मतदाताओं में से 5% अपना वोट नहीं डाला, यानी जितने वोटर थे उनमें से 5% वोट डालने गए ही नहीं, और 10% वोट ये तो अमान्य हो गए, नोटा, आपने देखा होगा नोटा भी होता है वोट में, जिसको कोई पसंद नहीं आता वो नोटा वोट डाल देता है, तो उसमें क्या बोला गया, 5% लोग तो गए ही नहीं, 10% गए तो थे लेकिन उनके वोट अमान्य या इनवेलिड हो गए, लेकिन नोटा में चले गए, जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किए, और वो 17,271 वोटों से चुनाव जीत गया। पूछा है कि टोटल वोटर कितने थे, वो चाहे अमान्य वाले रहे हों चाहे वो गए नहीं हों, उनकी गिनती तो थी कि वो लोग आएंगे, लेकिन वो आए नहीं तो वो तो उनका है, लेकिन टोटल वोट कितने थे सरकार के उसमें पंजीकृत जितने थे, तो अपन इसको करेंगे सीरीज मेथड से, एक लाइन में क्वेश्चन इसको अपन करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए आप, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या जो थी ना, यानी जो नंबर रजिस्टर्ड वोटर थे उनकी संख्या अपन कितनी मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। अब ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, 5% अपना वोट डाले नहीं, तो यानी कितने गए होंगे वोट डालने, 95% लोग वोट डालने गए होंगे। आगे देखिए क्या बोला गया है, 10% वोट ये तो अमान्य होकर नोटा पाए गए, यानी कितने परसेंट वोट, ये मान लीजिए आप 100% वोट है उसमें से क्या होगा, 10% लोग वोट जो थे अमान्य हो गए या कि नोटा हो गए, तो कितने बचे अपने पास वैलिड वोट, कितने बचे, 90%, 10% अपन हटा दिया, कितने बचे अपने पास, 90% वोट वैलिड वोट बचे, 5% डालने नहीं गए, 10% कौन से वोट थे जो वैलिड हो गए, अनवैलिड हो गए। अब क्या बोला गया क्वेश्चन देखिए आप, जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किया, यानी कि ये मान लीजिए 100% की वैल्यू है ना, पूरा ये पूरा 100% चल रहा है अपना, ये आप भूल 95-19 वो तो अपने क्वेश्चन के हिसाब से लिखा है इसको। अब इसमें देखिए कि इसने कितने वोट हासिल किए हैं, 60% वोट प्राप्त किए जितने वाले उम्मीदवार ने, तो हारने वाले कितने प्राप्त किए होंगे, आप देखिए 60 उसने प्राप्त किए, हारने वाले कितने प्राप्त किए, 40 प्राप्त किए होंगे, कितने का डिफरेंस आया, 20% का डिफरेंस आया इसमें, यानी जो बंदा जीता है वो कितने वोटों जीता है, 20% वोटों जीता है, तो अपन यहाँ 20% लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या गया बोला गया है कि कितने वोटों जीता है, 17,271 वोटों से जीता है वो, तो अभी देखिए 17,271 नहीं, 20% की वैल्यू जो है इतनी ही दी है, अब इसको काट लीजिए, अपना आपका आंसर एक लाइन में आएगा, 1-0 से 1-0 गया, 1-0 से 1-0 गया। अब ये देखिए आप,
दो से ये गया पांच बार में, ठीक है। पांच से काट देते हैं इसको अपन, एक पांच एकम पांच जीरो, ये पांच से गया कितनी बार, पांच एकम पांच, पांच नौ 45, इतना हो गया। ये काटते हैं अपन 19 से काटते सीधे, 19 नमैया 171, एक बचा उधर गया, 19 नमैया 171 हो गया। नौ से काटो, नौ एकम नौ जीरो, नौ एकम नौ, कितना बचा ऊपर, 101 ऊपर ऊपर बचा। नीचे कितने जीरो थे, एक दो तीन जीरो बचे थे, एक दो तीन। ये अपना क्या आ गया, पंजीकृत मतदाताएं जितने मतलब कि वोटर थे, लिस्टेड थे, काहे में सरकार की जो लिस्ट होती है उसमें लिस्टेड वोटर कितने थे, वो डालने नहीं गए, इनवेलिड कितने हो गए, वो तो बात की बात थी। वो क्या पूछा अपने से, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, तो अपने एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 101000। सही आंसर अपना क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना हम इसी क्रम में, क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन आप, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा उलझा के पूछते हैं लोग। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, यानी 10% जो वोटर थे वो अपना मत डालने गए ही नहीं, यानी वोट डालने वो गए ही नहीं। जो डालने गए उसका 5% जो मत था यानी वोट थे वो अवैध हो गए, यानी कि इनवैलिड हो गए। वो सफल उम्मीदवार यानी कि जीतने वाला जो उम्मीदवार था उसको वैलिड वोटों का 55% मत प्राप्त हुए, और वो कितने वोटों जीत गया, वो 1710 मतों से चुनाव वो जीत गया। जिसमें क्या बोला गया कि वही पिछले क्वेश्चन जैसे है कि कुल कितने मतदाता जो थे नामांकित थे, यानी पंजीकृत जो मतदाता रहते हैं, वोटर जो रहते हैं, लिस्टेड रहते हैं वोटिंग लिस्ट में, वो कितने थे। तो अपन वही सीरीज वाली मेथड देखते हैं अपन, इसमें भी क्या बोला गया, कुल कितने मतदाता नामांकित थे, तो मान लीजिए आप एक्स एक्स मतदाता नामांकित थे इसमें, आगे क्या बोल रहा है, 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, कितने लोगों ने डाला होगा, 90% लोगों ने डाला होगा, ये मान चलिए आप 100%, ठीक है, अपन करते रहेंगे इसको बढ़ाते रहेंगे आगे। इसमें क्या बोला गया है, 5% मत जो मत थे वो अवैध पाए गए, यानी कि ये 100% ये पूरा है तो 5% चले गए, कितने बचे, 95% मत जो है ये वैलिड वोट हो गए, ये टोटल था, अब ये हो गया वैलिड हो गया। अब क्या बोला क्वेश्चन में कि जो वैलिड मत थे, जो वैध मतों के 55% किसने पाए, जिसने चुनाव जीता, तो 55% इसने पाए, तो हारने वाले कितने पाए होंगे, 45% पाए होंगे। इनका डिफरेंस कितना आया, इनका डिफरेंस आ रहा है 10%, 55% उसने पाया जीतने वाले ने, तो हारने वाले कितने पाए होंगे, 100 में घटा दी 55 घटा दीजिए आप, कितना बचेगा, 45 बचेगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी जिससे वो चुनाव जीता है, ये 55% वाला कितने वोटों जीता चुनाव, वो 10% वोटों से चुनाव जीता है वो। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 10% वोटों को वेट कितनी दी गई है, 1710 दी गई है। अब फिर क्वेश्चन एक बार समझिए, एक्स टोटल वोट हो गए, 10% मतदाताओं ने अपना वोट डाला ही नहीं, वोट डालने गए नहीं, जिन्हें डाला उसमें से क्या हो गया, 5% मत अवैध घोषित कर दिए गए, और जीतने वाले कितने मिले, 55%, तो हारने वाले कितने मिले होंगे, 45, कितना डिफरेंस आया, 10% का, यानी 10% वोटों से वो जीत गया। तो क्वेश्चन कितनी दी गई है वैल्यू उसकी, 1710 मत दिए गए हैं। तो अब काट लीजिए इसको, अब ये जीरो से वाला जीरो काट दीजिए, ये काट दीजिए जीरो से जीरो, ये काट दीजिए पांच से, इसको काटिए पांच से, 19 बचे 95, और 5 दूनी 10, ये हो गया 19 से, अब देख रहे हैं 9 बार में कट गया, 1971, 9 से ये 9 भी गया, अभी 2 00 00, यानी कि ये सब यहाँ आके इंटू जाएंगे इस साइड, तो 2 100 और 100, तो कितना हो गया आंसर, ये अपना आगे 1 2 3 4, यानी कि अपना कितना सही आंसर आ गया, 20,000, यानी अपना ऑप्शन ए, कितने मतदाता नामांकित थे चुनाव में, 20,000 मतदाता नामांकित थे, सही अपना ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं हम, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, वो 10% वोट जो है अवैध घोषित कर दिए गए, विजेता उम्मीदवारों को मतदाता सूची में नामांकित कुल मतों का 40% मिला और 2400 मतों से निर्वाचित हुआ वो, मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, ये देखना है। तो अपन मान लेते हैं कि इसमें कितने थे मतदाता टोटल वोट, कितने थे वोटर, 100x थे, इससे सहूलियत रहती है निकालने में आपको एक्स की वैल्यू। दो उम्मीदवारों में से कितने 20% जो मतदाता थे अपने वोट डालने नहीं गए, वो 20% मतदाता, तो 20% इसको माइनस कर दीजिए, 100 का 20% कितना हो जाएगा, मैंने दिखाया था निकाल के भी, ये बचेगा 80x। ये क्या थे, जो वोट डालने गए थे ये टोटल वोटर थे, इनमें से 20% गए नहीं, कितने गए, 80x डालने गए थे। उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए, 10% वोट जो है अवैध घोषित कर दिए गए, तो 80 के 10% कितना हो जाएगा,
ये निकालना, 80x का 10 मिनट निकाल लिए आप, ये कितने हो गए 8, यानी कि 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, यानी कि इनवैलिड वोट कितने थे 10%, ये इनवैलिड वोट हो गए। तो 80 के 10% कितना आएगा 8, यानी कि कितने बचे 72x बचे। ये डालने गए थे, ये टोटल वोटर थे, ये क्या बचे अपने पास, वैलिड वोटर बचे अपने पास। इनवैलिड आपने निकाल दिया तो कितने बचे अपने पास, वैलिड वोटर कितने बचे 72x बचे अपने पास। अब क्वेश्चन में देखिए आप, विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में नामांकित, यानी कि टोटल वोटों का बोल रहा है वो, मतदाता सूची में जितने नामित शामिल थे उसका 40% मिला उसको, इसका 40% कितना रहेगा, 40% कितना रहेगा 40 रहेगा, ये तो आपको निकालना आना चाहिए। 100 का 40, 100 140 कितना रहेगा, ये काट दिया 40x बचा, ठीक है। और वो 24 मतों से जीत गया तो 40 इसको मिल गए, तो 72 में 40 हटा दिए कितना बचेंगे आप, 40 से 70 तो 32, यानी इसको कितने मिले, हारने वाले को 32x मिले, इसको कितने मिले 40x मिले। इसको डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है, देखिए 40 में 32 घटाएंगे कितना आएगा 8x का डिफरेंस आ रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, कितने वोटों जीता है वो 2400 वोटों से जीत गया है। तो 8x की जो वैल्यू दी गई है, यानी उसको कितने वोट ज्यादा मिले हैं, 8x वोट ज्यादा मिले हैं, और क्वेश्चन में क्या बोला गया 2400 वोट उसको ज्यादा मिले गए हैं, तो 8x की वैल्यू कितनी हो गई 2400। तो एक्स की वैल्यू यहां से निकाली कितना आएगी, 8 3 24, 300 आ गई एक्स की वैल्यू। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 300। वो बोला क्या गया है कि टोटल वोटर कितने थे, जो वोट डालने गए हों चाहे ना गए हों, लेकिन वो सरकार की जो लिस्ट होती है वोटर लिस्ट, उसमें कितने लोग शामिल थे, कितने लोग शामिल थे 100x। एक्स की वैल्यू अपन यहां रख देंगे कितना रहेगा, एक्स की वैल्यू कितनी है अपनी 300, कितना रहेगा ये 30,000। ये अपना सही आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी अपना सही आंसर आ गया। तो हमने आज देखा इलेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन है, हार्ड वाले क्वेश्चन देखे हैं, पार्ट वन आप पहले देखिएगा, पहले बेसिक जो है वो देखिएगा आप। हमने इसके दो मेथड्स किए, सीरीज मेथड और जो बेसिक मेथड होता है। बेसिक मेथड का फायदा भी होता है और सीरीज का फायदा होता है। एग्जाम में टाइम बचाना हो तो आप सीरीज से करिए, और आपको न समझ में आ रहा हो तो आप बेसिक मेथड तो आपकी है ही, जो परमानेंट चल रही है आपके पास। तो बच्चों वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक सब्सक्राइब करते रहना है, शेयर करते रहना है। धन्यवाद।